B, I know a funny little man. No is the verb. See, his sister is in Mumbai. Is 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 a is, kya hai? is, is a helping verb. Fine. You will underline rises. No and is. Students understand all these concepts properly as I will ask from you in live class. And you will write answers. In your worksheet, fine. Second, fill in the following table: present, past, past participle, present participle. So, do you remember कि हमने दो शब्द किए थे कट और एक और था. So there is no change in cut verb. तो कट के प्रेजेंट पास्ट पास पार्टिसिपल सेम रहते हैं कट 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 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कटिंग सी यू डबल टी आई एन जी राइट बी ईट एट ए टी ई एट इटन ई ए टी ई एन इटन ईटिंग ई ए टी आई एन जी ईटिंग नेक्स्ट सी पास्ट गिवन है ब्रोक तो प्रेजेंट हुआ ब्रेक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बी आर ओ के ई एन ब्रोकन तो ब्रेक से ही बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्रेकिंग बी आर ई ए के ब्रेक आई एन जी इंग ब्रेकिंग नेक्स्ट स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड एस टी ओ डबल पी ई डी सेम एस टी ओ डबल पी ई डी स्टॉप्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टॉपिंग एस टी ओ पी आई एन जी स्टॉपिंग एफ क्राईट क्राई सी आर वाई क्राई क्राइट क्राइट सी आर वाई आई एन जी क्राइंगूज दर्ड एज नाउन एड्जेक्टिव एंड वर्ब तो इनको हमने बैक को नाउन एडजेक्टिव वर्ब में कन्वर्ट करने है तो बैक की बैक का नाउन क्या किया था हमने शी हेज अ बैक

He solved his sum wrong. Adjective. This is a wrong place for you. Verb of wrong is could you show me what I did wrong? Yes, you can use these words. इन यूर ऑन वर्डिंग ऑल्सो तो इन वर्ड्स को आप अपनी वर्डिंग में भी यूज कर सकते हो एज अ नाउन एज एन एबजेक्टिव एंड एज अ वर्ब राइट नेक्स्ट इज वोकैबलरी सेक्शन मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विथ देयर साउंड इन कॉलम बी अंडर कॉलम में वी हैव अ गॉड अ हॉर्स एंड एलिफेंट अ फ्रॉग एंड अ डक So, a goat will go with bleeds, a horse will go with neighs, an elephant will go, go with trumpets, a frog will go with croc, crocs, crocs. A duck will go with quack, quack, quack. Part 2, right? Second, tick mark the correct options to identify the young ones of the following animals. Elephant, baby of elephant is called... Calf, baby, elephant, or kid. So it's a calf. C A L F. Second, horse. Baby. Horse is called colt. Cat. Baby of cat is called kitten. Baby of eagle is called eaglet. Fine. Next question, section number five, literature section. Answer the following questions.

केव केव में cave होती है, गुफा, में गुफा चले गए सेकेंड क्वेश्चन द वाइट वॉज हैवी विद वरी वॉट वॉज हिज वरी तो जो वाइट एलिफेंट था उसका हार्ट बहुत हैवी हो रहा था वो ऐसे फील कर रहा था जैसे उसको बहुत सारी टेंशन हो तो उसको क्या टेंशन थी ही वॉज वरीड अबाउट हिज मदर द वाइट एलिफेंट वॉज वरी ड्यू टू हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर उसको किसकी टेंशन थी अपनी बूढ़ी और अंधी माँ की ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर थर्ड क्वेश्चन हाउ वॉज द मैन हेल्प बाई द एलिफेंट तो एलिफेंट ने मैन की कैसे हेल्प की द एलिफेंट कैरीड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी तो so एलिफेंट उसको कैरी करके लेके गया अपनी बैग पर बिठाकर फॉरेस्ट के थ्रू फॉरेस्ट में से निकलता हुआ गया और उसने उसको कहाँ छोड़ा सिटी की आउटस्कर्ट्स पर आउटस्कर्ट मीन्स जो सिटी की बाउंड्री होती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु इज द स्पीकर ऑफ द डायलॉग स्पीकर मीन्स ये डायलॉग किसने बोला हुआ है क्लाइम ऑन माई बैक एंड आई विल कैरी होम कैरी यू होम एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर ऑल्सो तो ये किसकी वर्डिंग है किसने बोला था ये कि क्लाइम ऑन माई बैक वाइट एलिफेंट ने तो स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग इज अ व्हाइट एलिफेंट उसकी क्वालिटीज क्या थी इस क्वेश्चन में आप क्वालिटीज का हेडिंग डालोगे उसमें एलिफेंट जो वाइट एलिफेंट है उसकी क्वालिटीज नोट डाउन करो कौन कौन सी क्वालिटीज थी हेल्पफुल क्योंकि उसने उसकी एक पर्सन की हेल्प की थी और सेंसिटिव भी था क्योंकि उसको अपनी मदर की टेंशन हो रही थी काइंड था एंड थॉटफुल राइट हेल्पफुल सेंसिटिव काइंड एंड थॉटफुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव चूज द करेक्ट आंसर द मदर ऑफ द वाइट एलिफेंट वॉज वाइट एलिफेंट की मदर कैसी थी वी हैव थ्री ऑप्शन फर्स्ट इज ओल्ड एंड डेफ Second, old and lame. Third, old and blind. So, which is the correct option? Option number third. Option number third is the correct option that is old and blind, right? So, students, <clears throat> understand this worksheet.

आपने रीडिंग सेक्शन ग्रामर सेक्शन वोकेबलरी सेक्शन कंप्लीट करोगे आप फाइन यू विल डू रीडिंग सेक्शन ग्रामर सेक्शन एंड वोकेबलरी सेक्शन एज अ क्लास वर्क एंड राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन एज अ होमवर्क राइट सो यू विल डू राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन बाय लर्निंग ओनली तो आपने राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन लर्न करके लिखना है प्रैक्टिस करके लिखना है कॉपी से कॉपी नहीं करनी राइट सो डू इट योर सेल्फ थैंक यू